Hello and welcome back to Sessions with Travelocademy. My name is Gaurav Gira and today we will be discussing about global indicators. मतलब हम लोगों ने पांच global indicators पहले से कर लिए थे. I could not do more global indicators then. लेकिन आज हम लोग बात करेंगे about the sixth global indicator. हमारा ग्लोबल इंडिकेटर आज का है पैसिफिक वाया नॉर्थ. पहले पांच अगर आपने नहीं देखे तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी ट्रैवल कोर्स के अंडर आपको ये सारे ग्लोबल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट पीएन. पीएन इज पैसिफिक वाया नॉर्थ. बेसिकली ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि आपको अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो आप तो उसका एक राउटिंग बनती है और वो राउटिंग के हिसाब से उसका प्राइस बनता है और वो जो राउटिंग होती है उसको हम ग्लोबल इंडिकेटर कहते हैं. उस रास्ते को हम ग्लोबल इंडिकेटर कहते हैं. 10 तरह के बन सकते हैं, पांच कर चुके हैं, छठा ये रहा. पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपकी ट्रैवल नॉलेज जो है वो बढ़ती रहे विद एवरीबडी दैट वी हैव इन द ट्रैवल कम्युनिटी. नाउ पैसिफिक वाया नॉर्थ में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या है. पैसिफिक बेसिकली पैसिफिक जो है इसको आप एरिया बोलोगे जो ये लुक एट दिस, दिस पार्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट पैसिफिक. ये जो पार्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तस्मानिया यहाँ पर है. इसके अलावा आप देख पाओगे ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास पापुआ न्यू गिनी और ये सारे जितने भी आइलैंड्स हैं. ये ट्रैवल जो होता है अगर आपका इस पार्ट के और ये जो साउथ अमेरिका है इसके बीच में होता है. मतलब जो आपका ट्रैवल है वो साउथ वेस्ट पैसिफिक. आपने अगर नहीं देखी, पहली बार देख रहे हो तो आप ग्लोबल इंडिकेटर की जो पहले ज्योग्राफी वाली वीडियो है वो बिल्कुल ज़रूर देखो. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी हैं ताकि आप उसमें से समझ पाओ ना. यहाँ से जो ट्रैवल शुरू होता है आपका वो ख़त्म इधर होता है. साउथ वेस्ट पैसिफिक से शुरू होता है और साउथ अमेरिका में ख़त्म होता है. लेट मी गिव यू अ वेरी डिटेल्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ये आईटा का डॉक्यूमेंट है. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रैवल जो है वो साउथ वेस्ट पैसिफिक से है और साउथ अमेरिका में ख़त्म हो रहा है. ध्यान रखना मैं साउथ अटलांटिक नहीं बोल रहा हूँ. साउथ अटलांटिक जो होता है वो पांच कंट्रीज हैं, ए बी सी पी यू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, उरुग्वे, पैराग्वे, राइट. सो ये जो पांच कंट्रीज हैं नीचे वाली इनको हम बोलते हैं साउथ अटलांटिक कंट्रीज. लेकिन मैं बोल रहा हूँ साउथ अमेरिका, जिसके अंदर ये पूरा वेनेजुएला, कोलंबिया से लेता हुआ, इक्वाडोर से लेता हुआ सारी कंट्रीज आ जाती हैं. तो अगर आपका ट्रैवल, लेट मी रिपीट अगेन, साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट पैसिफिक के बीच में है, विच इज लाइक अ नॉर्मल थिंग कि हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल है. लेकिन इसमें कैच क्या है कि ये ट्रैवल ऐसा नहीं है. ये ट्रैवल जो है ये ट्रैवल होगा नॉर्थ अमेरिका से होता हुआ. मतलब पैसिफिक तो ये समझ आ गया कि हमारा पैसिफिक में ट्रैवल हो रहा है, लेकिन वाया नॉर्थ मतलब आप पैसिफिक में ट्रैवल कर रहे हो, पैसिफिक ओशन में ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन ऊपर से होकर के जा रहे हो. सो फॉर एग्जांपल आपकी फ़्लाइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है और ऑस्ट्रेलिया से आप सीधे आपको चिली जाना, तो आप चिली नहीं जा रहे हो, मतलब सांतियागो नहीं जा रहे हो. आप लोग सबसे पहले एक फ़्लाइट ले रहे हो ऑस्ट्रेलिया से यूएस की. लेट्स से ऑस्ट्रेलिया से आप कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को जा रहे हो पहले, और सैन फ्रांसिस्को से आपकी फ़्लाइट नीचे जा रही है साउथ अमेरिका में. दिस इज़ कॉल्ड पैसिफिक वाया नॉर्थ. फिर से देखो यहाँ पर, लेट मी शो यू दिस हेयर. इफ़ यू सी दिस, दिस इज दैट वी हैव, दिस इज यहाँ से फ़्लाइट शुरू हुई आपकी ऑकलैंड से. दिस इज़ आईटा का डॉक्यूमेंट और यहाँ से आपकी फ़्लाइट गई ऊपर सैन फ्रांसिस्को, फिर नीचे आई यहां पर सांतियागो के अंदर. ये जो फ्लाइट है इसको आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड पैसिफिक वाया नॉर्थ. और उल्टा भी हो सकता है कि आपकी फ्लाइट जो है ब्राजील के ब्रसीलिया से निकल रही है. लेट्स लुक एट दिस वन. ब्राजील है, ब्राजील के ब्रसीलिया से निकल रही है. यहां से फ्लाइट गई ऊपर कहीं भी, लेट्स से टोरंटो गई. टोरंटो यहां पर है तो टोरंटो गई और टोरंटो से वो फ्लाइट होकर के जो है नीचे की तरफ आई. अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में फाइनली ख़त्म हो गई, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा राउटिंग क्यों होगा. मतलब यार अगर कोई फ्लाइट जा रही है तो यहाँ से यहाँ सीधी क्यों नहीं चली जाती. देखो ज़्यादातर फ्लाइट्स जो होती हैं जो भी साउथ वेस्ट पैसिफिक से साउथ अमेरिका जाती हैं वो इसी रास्ते से जाती हैं. उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जब हम सेशंस करते हैं तो मुझसे ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेन एयरलाइन है वो क्वांटस है, क्वांटस एयरलाइंस है. 100 साल से ऊपर एयरलाइंस हो चुके हैं
आज तक एक भी क्रैश में कोई भी नहीं मरा है. सो बहुत सेफेस्ट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड है. न्यूजीलैंड के अंदर एयर न्यूजीलैंड है. ऐसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूएस के अंदर तो डेल्टा, यूनाइटेड, उसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस है, और साउथ वेस्ट तो इनकी डोमेस्टिक हो गई है, लेकिन एयर कैनेडा है ऊपर, उसके अलावा आपके पास नीचे की तरफ मेक्सिको, तो बहुत सारी जगह हैं. अगर मैं आपको दिखाऊँ बहुत सारी एयरलाइंस हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी, और बहुत सारी एयरलाइंस हैं आपकी जो ऑस्ट्रेलिया साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन है वहाँ पे. लेकिन आपको इस तरफ बहुत सारी एयरलाइंस नहीं मिलेंगी. मतलब पूरे साउथ अमेरिका के अंदर मैं बात करूँ तो जहाँ तक मैं सुनता हूँ एक लाटम है, एवियांका है, या कोपा एयरलाइंस है, ये तीन चार एयरलाइंस आपको ज़्यादा यहाँ मिलेंगी. और बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता ऑस्ट्रेलिया और इस कॉन्टिनेंट के बीच में. मतलब हार्डली देयर विल बी फ्यू पीपल हु विल ट्रैवल बिटवीन दीज टू कॉन्टिनेंट्स. लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है. अगर लेट्स लुक एट द डॉक्यूमेंट दैट वी हैव हियर, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट पैसिफिक एंड साउथ अमेरिका वाया नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास यूएस है, कैनेडा है, मेक्सिको है, तो वाया नॉर्थ अमेरिका होकर के जा रहा है. क्यों जा रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर लोग जो है ना वो जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूएस में, कैनेडा में बहुत ट्रैवल होता है. तो जो फ्लाइट क्वांटस की है वो ऊपर जाएगी, बिकॉज एयरलाइंस वहीं जाना प्रेफर करती है जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं. तो फ्लाइट आपकी यहाँ से उड़ी ऑस्ट्रेलिया से और ऊपर गई यूएस के अंदर, और यूएस में बहुत सारे लोग रहते हैं जो साउथ अमेरिका से आते हैं, इसलिए साउथ अमेरिका बहुत फ्लाइट्स जाती हैं. तो आपकी फिर यूएस की कोई डोमेस्टिक फ्लाइट, जैसे मान लो अमेरिकन हो गई, यूनाइटेड हो गई, या फिर डेल्टा हो गई, वो उनको नीचे ले जाती है यहाँ पे, या फिर कोपा एयरलाइंस या एवियांका इनको नीचे ले जाती है. तो इस तरीके से ना आपका जो राउटिंग है ये ऐसा बनता है कि जहाँ पर ज़्यादा एयरलाइंस का ट्रैफिक होता है वहाँ पर फेयर ज़्यादा कम आता है. डायरेक्ट फ्लाइट आपको हार्डली मिलेगी कोई ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका जाती हुई, तो इसीलिए ये रास्ता इस तरीके का होता है. और इस रास्ते को हम बोलते हैं पैसिफिक वाया नॉर्थ, या फिर आप इसको PN बोल सकते हो. इसका अगर मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल भी दूँ, तो आप देखो यहाँ पर आपकी फ़्लाइट जो है वो यहाँ पर जा रही है सिडनी से ऑकलैंड. सिडनी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑकलैंड हमारे पास न्यूजीलैंड में है, मेक्सिको होकर के बोगोटा जा रही है. मतलब सिडनी नीचे है, आप अगर यहाँ पे देखोगे सिडनी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ से आप ऑकलैंड गए और यहाँ से हम लोग मेक्सिको गए, मेक्सिको सिटी, और फिर यहाँ से होकर के फाइनली आपकी सिटी बोगोटा जा रही है, कोलंबिया. सो दिस इज बोगोटा कोलंबिया यहाँ पर. तो आपका ट्रैवल नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहे हो. नेक्स्ट देखो बोइनोस एरिस जो अर्जेंटीना में है, यहाँ से मेक्सिको, मेक्सिको से लॉस एंजलिस, और ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट मेलबर्न. ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक. सो आपकी फ्लाइट जो है वो बोइनोस एरिस से मेक्सिको जा रही है, मेक्सिको से लॉस एंजलिस. सो बोइनोस एरिस आपको मिलेगा अर्जेंटीना के अंदर. अर्जेंटीना ये रहा, यहाँ से जूम इन करते हैं, ये रहा बोइनोस एरिस. यहाँ से आपकी फ्लाइट ऊपर गई, सबसे पहले था मेक्सिको सिटी, मेक्सिको सिटी ये रहा, फिर मेक्सिको सिटी से हम लोग गए टू लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस आपको वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा कैलिफोर्निया में, ये रहा लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस से आपकी फ्लाइट उड़ करके जा रही है फिर फाइनली मेलबर्न. मेलबर्न यू विल फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया. सो हियर यू हैव मेलबर्न. तो अगर आप देखोगे रास्ता फिर से जो है पैसिफिक वाया नॉर्थ का बना. और इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे BSB इज ब्रसिलिया, ब्रसिलिया से लीमा जा रहे हो, दोनों साउथ अमेरिका में आता है, फिर सैन फ्रांसिस्को होकर के मेलबर्न जा रहे हो. सो देखो ब्रसिलिया इज हेयर, ब्राज़ील के अंदर जो है ब्रसिलिया है, ये रहा ब्रसिलिया. ब्रसिलिया से होकर के हम लोग गए थे लीमा, लीमा पेरू में है, पेरू ये रहा इस तरफ को, साउथ अमेरिका में है ये भी. तो अभी हम साउथ अमेरिका के अंदर ही हैं. और यहाँ से आप देखोगे आप नॉर्थ में सैन फ्रांसिस्को गए, जो अगेन ज़्यादातर फ्लाइट हम वेस्टर्न कोस्ट के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि जो फ्लाइट है उसको एक्चुअली में नीचे ही जाना है, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ही, नीचे की तरफ ही जाना है, तो वेस्टर्न साइड पे जाना है इसलिए. और फाइनली हम मेलबर्न के अंदर यहाँ पर आ गए. सो दिस इज़ हाउ जो हमारा पैसिफिक वाया नॉर्थ है ये होता है. ग्लोबल इंडिकेटर क्यों करने हैं? क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इससे आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज अच्छे से चेक हो जाती है. और ये ध्यान रखना कि अगर आपसे इंटरव्यू में राउटिंग पूछी कि मेरे को जाना है साउथ अमेरिका से, लेट्स से किसी ने बोला मुझे जाना है असुनशियन से सिडनी, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो देखो अगर आपने इसका आंसर दे दिया
इन इंटरव्यूज़ लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस का या ग्लोबल बिजनेस ट्रैवल का या बड़ी कंपनी जो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ लेती हैं, वो लोग ज्योग्राफी बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं. तो एक एक आपसे सवाल पूछेंगे, इसका कोड क्या है, इसकी कंट्री क्या है, इसका कैपिटल क्या है. दे रैदर आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कि अगर हमें लेट्स से BSB ब्रावो शुगर ब्रावो से जाना है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ सो दैट क्वेश्चन बिकम रियली क्लियर. सो अगर कोई ये बोलता है कि भाई मेरे को लेट्स से यहाँ से देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे ब्रावो शुगर ब्रावो से जाना है, और ध्यान रखना ये इंटरव्यू में पूछ रहे हैं आपसे, आई मीन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू और वहाँ बोले जा रहा है ब्रावो शुगर ब्रावो से जाना है सिडनी, SYD बोलते हैं, तो आप कैसे ट्रैवल करोगे, आपको इसकी राउटिंग बनानी है. सो फर्स्ट यू शुड नो कि भाई ब्रावो शुगर ब्रावो है क्या. हमने कहा यार ये तो है ब्रसीलिया, ये ब्रसीलिया है, ब्रसीलिया इज अ कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में आता है, और ये सब आपके दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए, दिस कम्स इन साउथ अमेरिका. इसके बाद हमारी जो फ्लाइट है वो जाएगी फाइनली टू सिडनी. तो सिडनी जो है ये है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये है साउथ वेस्ट पैसिफिक में, ठीक है. तो अब हमारे को पता चल गया कि ट्रैवल हमारा ब्रसीलिया से सिडनी का है. अब कौन सी एयरलाइन जाएगी, सीधी तो नहीं जाएगी, ऊपर से होके जाएगी. तो हम बोलेंगे अच्छा सिडनी, अच्छा आपका अगर पहली फ्लाइट ब्रसीलिया है, ब्रसीलिया ये रहा यहाँ पे, यहाँ से पहले फ्लाइट ऊपर भेज देते हैं. अगर हम भेज रहे हैं फ्लाइट टू, देखो यहाँ पर ना कैनेडा के लेफ्ट हैंड साइड पर वैंकूवर है, अगर किसी फ्लाइट को फाइनली इस तरफ जाना है नीचे की तरफ, तो आपको ये फ्लाइट यहीं पे लेके जानी पड़ेगी कनाडा के लेफ्ट साइड पे वैंकूवर में. आप ऐसा नहीं करोगे कि फ्लाइट बोलोगे कि अच्छा अगर ये फ्लाइट है तो यहाँ से जाएगी ब्रसीलिया से यहाँ चली जाएगी टोरंटो, नहीं वो गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको फिर बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से. सो आपके दिमाग में राउटिंग एग्जैक्ट बननी चाहिए. सो यू से ओके द फ्लाइट गोज फ्रॉम, देखो मैं अब क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा ग्लोबल इंडिकेटर है, मैं आपसे राउटिंग पूछ रहा हूँ, रास्ता पूछ रहा हूँ. सो यू से फ्लाइट जाएगी हमारी ब्रसील के ब्रसीलिया से ऊपर उठेगी और ये पहुंचेगी वैंकूवर जाएगी. अगर आप वैंकूवर भेज रहे हो तो वो एयर कनाडा की फ़्लाइट होनी चाहिए, क्योंकि एयर कनाडा की फ़्लाइट ही जो है सीधी जाएगी कनाडा में. अगर अमेरिकन एयरलाइंस होगी या डेल्टा होगी या एयर एरो मेक्सिको होगी तो अपने घर से होके जाएगी, हर एयरलाइन अपने होम सिटी से होके जाती है. तो हमने कहा नहीं, यहाँ से सीधी फ्लाइट जाएगी पहले आपकी यहाँ पे वैंकूवर में. अगर आपको कोई और एयरलाइन लेनी या कोई और यू नो सिटी लेनी है तो उसके हिसाब से आप एयरलाइन चूज़ करोगे. सो इसे आवर फ्लाइट विल गो फ्रॉम ब्रसीलिया यहाँ पे, यहाँ से टू वैंकूवर, दैट इज़ एयर कनाडा, एंड यहाँ से आपकी फ़्लाइट जो है वो अगली फ्लाइट जो होगी वो एयर कनाडा की भी हो सकती है, वो क्वांटस की भी हो सकती है. सो इसे अगली फ्लाइट भी हमारी एयर कनाडा की है, दैट गोज़ टू सिडनी हियर. तो या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि पहली फ़्लाइट जो हमारी है वो यहाँ से शुरू होगी ब्रसीलिया से, अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट है, सैन फ्रांसिस्को होकर के वैंकूवर जाएगी, और फिर वैंकूवर में मतलब आपका एक स्टॉप फ्लाइट हो गई है, और फिर वैंकूवर से हमारी अगली फ्लाइट क्वांटस की निकल करके यहाँ आएगी. प्रेफरेबली आप चाहो तो एक ही एयरलाइन बोल सकते हो, क्योंकि एक एयरलाइन अगर लेते हो तो प्राइस सस्ता आता है, अनलेस किसी कई एयरलाइंस के अंदर जॉइंट फेयर होता है तो वो सस्ते आ जाते हैं. बट अगर आपसे पूछा जाता है, देखो अब इसमें क्या क्या पता कर दिया उन्होंने, उन्होंने पता कर लिया कि आपको कोड्स पता है, उन्होंने सिर्फ BSB बताया आपको, तो अच्छा कोड्स पता है आपको, पता है BSB कौन सी कंट्री में है, तो मतलब कंट्रीज़ के बारे में पता है आपको, ज्योग्राफी पता है मतलब, उसके बाद आपको पता है कि फ़्लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो रास्ते भी पता है आपको, और दूसरी चीज़ उस कंट्री की एयरलाइंस भी पता है, और उसके बाद सो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अगर वो आपसे राउटिंग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रास्ता जो है, राउटिंग जो है वो कैसे बनती है, और किस तरीके से आप उसको स्पॉन्टेनियसली जो है वहाँ बैठ करके इंटरव्यू के अंदर बना सकते हो. अगर आप बता पाए तो बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है. और दैट इज़ ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. हमारा ग्लोबल इंडिकेटर नंबर 6 जो है, जो PN है, पैसिफिक वाया नॉर्थ, इसका ये मतलब है. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, और नेक्स्ट ग्लोबल इंडिकेटर भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा. आई होप कि आपके इंटरव्यूज़ जो होंगे उसको आप आराम से पास कर पाओगे थ्रू दीज वीडियोज. एंड इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और आप हमारा ऑनलाइन जो यू नो इफ़ यू आर नॉट इन दिल्ली, आप बाहर कहीं रहते हो तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. दैट वी हैव अ ट्रैवल कोर्स, 1 year ट्रैवल कोर्स, एंड दैट इज़ ऑल. थैंक यू सो मच. आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.